नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर हलके में प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की नेत्री चित्रा सरवारा, आदर्श पाल सिंह और योगेश्वर शर्मा ने भाजपा सरकार की ओर से मात्र पोस्टर लगाने पर की जा रही FIR की कड़ी निंदा करते हुए ये कहा है कि भाजपा एक तरफ अमृतकाल का दावा कर रही है लेकिन वास्तव में देश भर में आपातकाल लागू कर रही है। चित्रा सरवारा ने कहा कि एक पोस्टर से डरकर देश और प्रदेश में 300 से अधिक FIR दर्ज करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। ये साफ दर्शाता है कि भाजपा सरकार और उनका नेतृत्व आज अंदर तक हिल गया है। अपना अस्तित्व खतरे में पाते हुए अभिव्यक्ति के मूलभूत संवैधानिक अधिकार को कुचल रहा है। चित्रा सरवारा ने कहा कि भाजपा सरकार एक पोस्टर दीवार तो फाड़ कर उतार सकती है लेकिन जन जन के दिल और दिमाग से कैसे उतारेगी, यहाँ ये नारा अब छप चुका है। आपको बता दें कि यमुनानगर में 107/151 के तहत आम आदमी पार्टी के 15 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी की नेत्री चित्रा सरवारा, योगेश्वर शर्मा, आदर्श पाल समेत जिन मुख्य साथियों ने गिरफ्तारी दी उनमें योगेंद्र चौहान, कर्मवीर भुटर, गगनदीप, ललित त्यागी, लक्ष्मण विनायक, आदित्य गोयल, गौरव गोयल, प्रदीप कुमार, विशाल यादव, अवनीश त्यागी, मोहित त्यागी शामिल हैं। थाने से रिहा हुई चित्रा सरवारा ने कहा कि जितने मर्जी पर्चे दर्ज कर लें आम आदमी पार्टी इनके किसी भी हथकंडे से डरने वाली नहीं है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। मोदी हटाओ देश बचाओ और पूरे देश के अंदर जब ये पहली बार दिल्ली में हुई और इसके बदले में भाजपा ने जो इतने जोर शोर से 100 से ऊपर FIR कार्यकर्ताओं पर कर दी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता के नेतृत्व के मन में ये आया कि हम इसे लेके पूरे देश में जाएंगे। 30 मार्च को पूरे देश में एक सांकेतिक आंदोलन हुआ जहां अलग अलग शहरों में कार्यकर्ताओं ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स लगाए। इसके बदले में आज की तारीख में 300 से अधिक FIR हो चुकी हैं जहां जहां कार्यकर्ता लगाने गए, चाहे वो हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता थे, चाहे वो हमारे वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा जी थे, या किसी भी इलाके में कोई कार्यकर्ता नेता गया, तो जो एक डिसप्रोपोर्शनेट हद से ज्यादा बढ़कर जो एक भाजपा ने रिएक्शन दिखाया वो साफ नजर आता है कि भाजपा बहुत हिली हुई है, नहीं मिलाई हुई है। और एक पोस्टर से जिसको अपने अस्तित्व के बारे में डर लगने लग जाता है, एक पोस्टर के बदले में जो आज FIR कर रही है तो साफ नजर आ रहा है उन्हें अपनी राजनीतिक सियासत और जमीन खिसकते हुए नजर आ रही है। आज जितना उन्होंने हमारे को दबाया है, आज हम सरकार से यही कहना चाहेंगे जितना वो दबाएंगे और जब तक वो दबाएंगे तब तक ये कैंपेन अपने आप उठता रहेगा। भाजपा दीवार से ये पोस्टर फाड़ सकती है, एक कार्यकर्ता को अंदर डाल सकती है, लेकिन लोगों के जहन में जो ये पोस्टर और ये नारा उतर चुका है उसे भाजपा कभी नहीं उतार सकती। 2024 तक ये बढ़ता ही चला जाएगा और हम कह रहे हैं अमृतकाल के नाम पे आज देश में आपातकाल ले आई है आज़ादी के 75 सालों बाद। आज बड़े दुख की बात है कि हमारा मूलभूत संवैधानिक अधिकार जो होता है अभिव्यक्ति का अधिकार, आज उसको भाजपा कुचल रही है। हम जानते हैं विपक्ष हो, मीडिया हो, इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, हर चीज़ को भाजपा कुचल रही है। और आज सोचने की बात है, एक जो सहज और स्वाभाविक नारा है राजनीति मोदी हटाओ जो कोई भी विपक्ष उठा सकता है, आज उस पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है तो कल किसी ने मोदी हाय हाय कर दी तो भाजपा सरकार क्या करेगी वो ये भी बता दें। कल किसी ने मोदी जी का कहीं पुतला फूका जो आज तक राजनीति में हर नेता के खिलाफ होता है, क्या उसके लिए फांसी टांगेगी भाजपा? और अगर ऐसे मोदी जी के खिलाफ एक पोस्टर के ऊपर FIR हो रही तो केजरीवाल जी के खिलाफ जो पोस्टर है उनकी किस पे FIR करेगी? आज पूरे हरियाणा के अंदर हम कहना चाहते हैं कोई प्रिंटर ये पोस्टर नहीं छापना चाहता जो ये हमारे साथी लेके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंटर्स को बोल दिया गया आपके ऊपर FIR कर दी जाए। आज मीडिया वालों को ये खबर करने में आपत्ति होगी क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है कि ये खबर नहीं आपने छापी, लेकिन ये जो पोस्टर लोगों के जहन में छप चुका है अब इसे ना कोई दबा सकता ना होगा। तो ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी? यस, बिल्कुल आगे जारी रहेगी जब तक भाजपा का ये मैं कहूँगी प्रताड़ना और उनका कुचलना जारी रहेगा, ये भी जारी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।